गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और मम्मी लोग चले गए थे, लगभग 5 बजे चले गए थे मंडाई करने के लिए। मम्मी और चाची जा रहे हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, कोदे की रोटी, ये देखो इतनी मैंने बना दी है। तो बस थोड़ी देर में वो आने ही वाले हैं, उसके बाद उनको नाश्ता कराएंगे। तो दोस्तों अभी मम्मी लोग आ गए हैं खेत से मंडाई करके और थकान लगी, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक? दोस्तों तो सुबह चले गए थे मारने के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था तो ये भी आए धीरे बोलने वाले मेरे साथ, तो मैंने मोनिका को बोला था बेटा नाश्ता बना के रखना, उसके बाद अब इसको खा के मैं फिर घास के लिए जाऊँ। मम्मी और मैं घास के लिए जाएंगे और यहाँ पे चाची भी देखो नाश्ता कर रही है। तो नमस्ते प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं। नहीं दोस्तों, इसने बोला मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने कहा मैं दिन में तो नहीं आऊंगी, काम है हमारा बहुत, सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाएंगे। हाँ, तो अंधेरे में चले गए थे, अंधेरे में चले गए 7 बजे से नाश्ता करने लगे। ये 7 बजे का कौन सा वाला नाश्ता है? पहाड़ियों का ऐसी नाश्ता होता है दोस्तों। ये रोटी भी इतनी स्वादिष्ट हो रही है, इतनी स्वादिष्ट, क्या बनाया किसने वो भी तो देखो। आप लोग हमको देख के बोल रहे, हम 3 दिन रोटी टमकाएंगे, क्या पता एक एक और भी टमका सकते हैं, हो सकता है, बोल तो नहीं सकते पर हो सकता है कि गौर खाएंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं घास के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अनमोल के साथ, और सुबह से मैं लगी हुई थी काम में, नाश्ता बना रही थी, फिर चाची मम्मी लोग आ गए थे उनको नाश्ता कराया, तो अब जाके मुझे टाइम लग रहा है व्लॉग की शुरुआत करने की। तो अनमोल कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए? बोलो, जो मतलब कमेंट करते हैं वो कमेंट करते रहना और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और आज संडे है, अनमोल की भी छुट्टी है, तो अनमोल रहेगा घर पे और हम लोग जाएंगे घास के लिए। अनमोल की तो फिर भी संडे को छुट्टी हो जाती है, लेकिन हमारी संडे को भी नहीं होती है छुट्टी। तो फिलहाल चलते हैं खेत में घास लेके आते हैं। तो दोस्तों अभी मैं खेत में पहुँच चुकी हूँ और मुझे ना थोड़ा थंबनेल वगैरह बनाना था वीडियो के लिए, तो इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। तब तक मम्मी ने यहाँ पे देखो 3 पुल्ले घास के निकाल दिए, और एक दो, अच्छा चार है, चार चार, ये बब्बी बुआ बग्गू सही छो, चार वो है दोस्तों, पांच वही है। हाँ, थोड़ा और देर में आती तो पूरा घास निकाल देती यार, घास तब मेरी दुबड़ी दुबा धूप कर देती मम्मी। दोस्तों दुबड़ी दुबा धूप तो मेरी हो गई दोस्तों, क्या करूँ, ऐसी दुबड़ी दुबा धूप किसी की ना हो। हाँ, तो जल्दी से घास काटता हूँ, खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है, बस साले काम काम काम, वही तो जितनी मेहनत करते हैं, मैं आपको हर बार बता दूं, जितनी मेहनत करते हैं उतना मिलता नहीं है अनाज, मतलब नुकसान हो जाता है, कभी सुअर खा देता है, कभी बंदर खा देते हैं, तो बस इसी वजह मेहनत तो हम लोग पूरी करते हैं। तो फिलहाल अभी घास निकालते हैं, यहाँ पे पूरा हमारा ही खेत है ये, तो जल्दी से घास निकालते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पूरा घास काट दिया है और मम्मी वहाँ पे भारी लगा रही है, एक भारी वहाँ पे लगेगी, एक भारी यहाँ पे लगेगी, तो पूरे 10 पुल्ले हमने काटे, तो 5-5 पुल्ले ले जाएंगे। और आजकल ना कमेंट कर रहे थे लोग कि कालिया भाई कहाँ है, अमीषा कहाँ है, तो एक्चुअली ना कुछ दिन पहले, मतलब लगभग हो गए होंगे 8-10 दिन हो गए हैं, दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द और कमर में दर्द होने लग गया था, तो वो चल भी नहीं पा रहे थे, पहले दवाई लाए थे लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, तो उनको देहरादून ले जाना पड़ा, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन अभी सर्जरी हो चुकी है, दादी बिल्कुल ठीक है अभी, लेकिन अभी वहाँ से डिस्चार्ज नहीं किया है हॉस्पिटल से। तो अमीषा उस दिन से दादी के साथ ही है, वहाँ पर चाचा जी लोग भी जा रखे थे, लेकिन अमीषा को भी वहीं पर रुकना पड़ा, तो इसी वजह से अमीषा आपको ब्लॉग में देखने को नहीं मिल रही है। और वहाँ पर हॉस्पिटल में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी अमीषा के साथ, तो उनको भी दिल से शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा। सही में यार, जैसे मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ ना, वैसे ही आप लोग भी हमें अपनी फैमिली मानते हो और फैमिली की तरह ही हमारी हेल्प करते हो हर जगह पे, कहीं भी अगर मैं कहीं भी जाती हूँ ना, सही में मुझे कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर मिल ही जाते हैं हेल्प करने के लिए। तो वहाँ भी अमीषा बहुत बता रही थी फ़ोन करके कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मिले और बता रहे थे कि आपकी वीडियो देखते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करी उन लोगों ने, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फिर से। हाँ दोस्तों, ये सही बात है, जहाँ भी सब्सक्राइब मिलते हैं बहुत इज्जत करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। परसों जिस दिन मैं अपने मायके से आ रही थी, तो दोस्तों वहाँ ना, वहाँ गए हम पार्क में गए घूमने, वहीं है ये रुद्रप्रयाग में वो पार्क, तो मैं जैसे वहाँ पे बैठी तो एक लड़की थी वहाँ पे, वो फोटो खींच रही थी, तो मैं भी अचानक चली गई, अरे मैंने कहा भी ये लड़की खींच रही है, मैं बाद में खींचती हूँ। उसने मेरे को बोला आंटी जी आओ आओ हम आपके ब्लॉग देखते हैं, आप भी बैठो, फिर उसने मेरे साथ फोटो खींचा। कितने ज्यादा लोग मिले ना वहाँ पे भी बहुत मिले वहाँ पे, तो बहुत सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद दोस्तों, बोला भी नहीं जा रहा था काम। दादी के लिए भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करी सबने, दादी के लिए भी वहाँ बहुत सब्सक्राइब मिल रहे, उनकी सहायता भी की उन्होंने, हॉस्पिटल में गए मिलने, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मोनिका को ये भी बोल रही थी, मोनिका वहाँ भी जा रहे हैं सब्सक्राइब, किस दिन हम भी बीमार होंगे तो पता नहीं कितने लाइन लगे नहीं ऐसा दिन तो कभी नहीं आना चाहिए, भगवान करे ऐसा किसी के साथ
वो पर ऐसे मजाक करती हूँ मैं तो। तो हमेशा बता रही थी ना फोन करके कि कोई फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, कोई जूस लेके आ रहे हैं दादी को, तो दादी को भी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही होगी कि वीडियो के थ्रू लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, दादी को भी लोग पहचानने लग गए हैं। तो दादी अभी बिल्कुल ठीक है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। तो बस आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा कि अमीषा कहाँ है, कहाँ है, तो वो देहरादून में है और सर्जरी भी बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुकी है। तो फिलहाल अभी दोस्तों आके मोनिका ने ना खाली दो पुली निकाली, तीन पुली निकाली मम्मी निकाली मोनिका, वो मेरे को पता है जो मैंने बांधा है देर में आई और क्या बोलते उस आठ पुली मैंने निकाली दोस्तों। अरे वाह, मम्मी के लिए तालियां बजा दो यार, आठ पुली निकाल दी मम्मी ने। निकाला मैंने घास पहले, ये बता। हाँ यार स्पीड बहुत तेज है मम्मी की। अरे एक्चुअली मैं टाइम पे आ जाती ना, मेरा टाइटल थंबनेल वगैरह सब बनाने के लिए था तो इसलिए मुझे थोड़ा देर हो गया था दोस्तों। पर मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो बोलते हैं इनका काम धंधा नहीं है, खाली वीडियो बनाते हैं, तो मेरी घिची नहीं चलती, मेरे हाथ भी खूब चलते हैं काम के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, काम के साथ साथ मुझे ब्लॉग भी देखना पड़ता है, यूट्यूब भी देखना पड़ता है और मम्मी को भी, मम्मी भी वीडियो में आती है तो मम्मी का भी पूरा सहयोग रहता है। कहीं और जाना है, हाँ कहीं और भी जाना है, उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं घर पे, अभी घर में भी इतने सारे काम बचे हुए हैं ना, जब हम दोनों खेत में आ जाते हैं ना फिर घर का आधा काम वैसे ही बचा रहता है। तो जल्दी से चलते हैं, पहले कमली को पानी पिलाते हैं, मतलब गौशाला का काम निपटाते हैं, उसके बाद घर का काम निपटाएंगे। देखो मम्मी ने भारी लगा दी मेरी, पांच पुलों की, तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घास लेके गौशाला में और अभी अपनी कमली को ले जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए और नहलाने के लिए गधेरे में, तो आवाज़ लगानी पड़ती है, भैंस न ले वो, बहुत थकान लगी है सही में, चिल्लाने की ताकत भी नहीं बची है। तो चलते हैं कमली को भी पानी पिलाते हैं, उसके बाद घर पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है हमारी कमली का स्नान, तो पहले ठंडे ठंडे पानी से इसको छपोड़ेंगे, उसके बाद खुद नहाएंगे घर में, है ना। पहले इसकी नौकरी करेंगे फिर अपनी नौकरी करेंगे। हाँ तो दोस्तों साथ साथ मैंने डब्बा भी ला रखा था पानी के लिए, मैंने कहा जब कमली को पानी पिला देंगे उसके बाद अपने लिए भी ठंडा ठंडा पानी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा डब्बा भी भर गया है धारे का शुद्ध पानी, तो मम्मी तो कमली को लेके चलेगी है गौशाला, मैं पानी लेके चलती हूँ अभी घर। जैसे मैं घर पे आई, यहाँ पे देखो अनमोल अपने स्कूल के जूते स्कूल के कपड़े धोने पे लगा हुआ है, और मैं खेत से ही सोच रही थी, मेरे को ऐसा आलस आ रहा था ना, मैंने कहा यार अभी अनमोल के कपड़े धोने हैं जूते धोने हैं, लेकिन वो लगा हुआ है यहाँ पे देखो। क्यों रुका, क्यों नहीं रुका हमारे लिए? सही में अनमोल बहुत अच्छा लड़का है, जैसे आजकल के लड़के हैं ना बिगड़े हुए वैसा बिल्कुल नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही गेस करते हो, कमेंट करते रहते ना आप लोग, तो वो सोचता है कि मम्मी खेत में जा रखी है, दीदी खेत में जा रखी है, उनको थकान लग गई होगी, तो मैं अपने कपड़े खुद धुल लेता हूँ, तो यहाँ पे कपड़े धुल रहा है वो। तो चाय बनाते हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है पहाड़ियों की थकान तो चाय से ही मिटती है, तो मम्मी भी आने वाली है, थोड़ा थोड़ा चाय पियेंगे उसके बाद बाकी काम निपटाएंगे। तो दोस्तों टफी और अनमोल देखो यहाँ पे मजे से बैठे हुए हैं, और इस टफी को ना ऐसी खुजली करने के लिए चाहिए होता कोई, वो देखो कितना आराम से लेटा हुआ आंखें बंद कर रहा, उसको मजा आ रहा होगा ना, देखो ना हाथ हटाएंगे फिर हाथ काटने के लिए करेगा, देखो ये देखो वो ऐसा बोलता कि करते रहो मेरे पे खुजली, तो ये देखो। तो दोस्तों अभी मेरा दिन का खाना भी बन गया है, आज मैंने दाल चावल बना रखे हैं दिन के खाने में, और खाना खुना बनाने के बाद नहा गई थी, और नहाने के बाद ना पूरी थकान मिट जाती, तो अभी फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है, और जो धान मम्मी सुबह मंडाई करके लाई थी वो मम्मी ने यहाँ पे सुखाने के लिए डाला हुआ है, ये देखो थोड़ा सा ही था वहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना खान वाली सार में हमने लवाई करी थी कुछ दिन पहले, तो वहीं पे मंडाई करी थी, आज थोड़ा सा ही था इसलिए चाची और मम्मी जा रखे थे बस। तो खाना भी बन गया, जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद आराम करेंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी आजकल ना दिन में सोना या फिर रात में सोने के बाद ना पता ही नहीं चल रहा सुबह कब हो गई, एकदम भयंकर वाली नींद आ रही है थकान की वजह से, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं उसके बाद आराम करते हैं। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 9 बज गए हैं और दिन के बाद से मैं सीधे अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में खाना बनाने के बाद खाना खा के मैं सो गई थी, और फिर से शाम को खेत का काम वही जो कि आपको हमेशा आजकल ब्लॉग में दिख रहा है, तो खेत में चले गए थे, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि खेत में काम करते करते ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, क्योंकि थकान भी लग जाती है, वैसे फिर कैमरा उठाओ ब्लॉग बनाओ, मैंने सोचा रहने देते हैं अब सीधे रात को ही शूट करूँगी। तो अभी डिनर भी बन चुका है सारे काम काज निपटाने के बाद, मैंने सोचा अब ब्लॉग एंड कर देते क्योंकि अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है, वैसे थकान लगी है, तो जल्दी से एडिटिंग का काम निपटा के उसके बाद सो जाएंगे। और ठीक है दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।